नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान PTET एग्जाम 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट अब निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान PTET की रिजल्ट डेट को लेकर इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान PTET का आयोजन जो हुआ था परीक्षा का दोस्तों, वो 3 जुलाई को PTET BEd का पेपर हुआ था, जिसमें कि दोस्तों 4 वर्षीय कोर्स और 2 वर्षीय कोर्स अलग अलग कोर्सेज के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो इसमें दोस्तों आपकी क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, कॉलेज आपको कब अलॉट की जाएंगी दोस्तों, कॉलेज कब मिलेंगी, काउंसलिंग कब से होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान PTET से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाती है। दोस्तों, रिजल्ट आपका इसी महीने के लास्ट तक घोषित हो जाएगा, जुलाई के लास्ट में आपका रिजल्ट घोषित होगा, क्योंकि बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है, जो जयराणा ब्यास यूनिवर्सिटी का बोर्ड है दोस्तों, जिसने आपकी परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसने कहा है कि दोस्तों आपका रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी करेंगे, ताकि आगे की जो प्रोसेस है उसे अपनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों पहले से ही काफ़ी समय यहाँ पर दोस्तों सत्र है वो लेट चल रहा है कोरोना की वजह से दोस्तों, वरना अब तक दोस्तों आपको कॉलेज अलॉट हो जाती थी, इतना समय नहीं लगता था। लेकिन अब अपडेट ये है कि दोस्तों जुलाई के लास्ट में ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, और आपको इस काउंसलिंग है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगस्त में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीन लिस्ट, मिनिमम 3 लिस्ट आपकी दोस्तों निकाली जाती हैं। 1.5 लाख सीटों पर ये दोस्तों आपका आवंटन किया जाएगा, सीटों को यहाँ पर वरीयता सूची के आधार पर आपको दिया जाता है दोस्तों। 1400 BEd कॉलेज हैं पूरे राजस्थान, जिसमें से कुछ सरकारी हैं, कुछ दोस्तों यहाँ पर जो है प्राइवेट या निजी कॉलेज हैं। चलिए बात कर लें दोस्तों पहली लिस्ट की, कितनी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की, आर्ट्स वाले छात्रों की मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, अगर आप साइंस वाले चाहते हैं तो 10 से 15 नंबर इसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के 349 पर मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 328 पर पहली लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी, OBC में 338 पर और फीमेल को 319 पर कॉलेज मिल जाएगी। SC कैटेगरी में बात करूँ तो मेल कैंडिडेट को 314 पर, फीमेल को 299 पर कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। वहीं ST कैटेगरी की बात करूँ तो ST कैटेगरी में दोस्तों मेल को 301 पर, फीमेल को 293 पर। MBC की बात की जाए दोस्तों, MBC में 314 पर, फीमेल को 309 पर कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 साल की जो BEd का कोर्स होता है दोस्तों, उसकी कट ऑफ है, इसकी कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि 1.5 लाख जो सीटें हैं दोस्तों, उनमें से सबसे ज़्यादा 1 लाख के आसपास सीटें आपकी इन्हीं छात्रों की रहती हैं, 2 ईयर वालों की। अब बात कर लेते हैं PTET कट ऑफ 4 वर्षीय की। तो दोस्तों 380 से लेकर 400 तक जनरल की रहेगी, 370 से लेकर 390 तक पहली लिस्ट की कट ऑफ है। 4 वर्ष की जो कट ऑफ है ज़्यादा जाती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सीटें लिमिटेड हैं, 22,000 के आसपास सीटें हैं, 20 से 22,000। SC कैटेगरी की 330 से 350, ST कैटेगरी में 320 से 340, EWS में आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 320 से 350 की मध्य रहेगी दोस्तों। ये आपकी जो कट ऑफ है वो 4 वर्षीय कोर्स की है, इसमें 2 कोर्स होते हैं, 4 वर्षीय और 2 वर्षीय। तो दोस्तों 4 वर्षीय की बात करूँ तो इसमें सीटें कम रहती है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है, 2 वर्ष की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, राजस्थान PTET का रिजल्ट आपको जल्द ही जुलाई के अंत तक देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।